अपॉर्चुनिटी को सही से ग्रैप करते हैं तो ये हम सब के बिजनेस को बहुत ही ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी। और उसमें से एक चीजों के बारे में डिस्कशन करें, इस प्लेटफॉर्म, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसमें से बस एक टॉपिक को अगर हम पिक करें तो वो बोल सकते हैं ब्रोशर। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रोशर इज ये एक सिंपल सा और बहुत ही इफेक्टिव नेचर बोल सकते हैं इसका हम लोग। द सिंपल एंड इफेक्टिव नेचर ऑफ प्रिंटेड ब्रोशर, हमारे जितने हम लोग यहाँ पे ब्रोशर्स देख रहे हैं अभी, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो प्रिंटेड ब्रोशर है, ये एक फैंटास्टिक टूल है जो कि हम लोग अपने नेटवर्क मार्केटिंग जो बैग है उस बैग में एक तरह से इसको स्ट्रैटेजी के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग इसको बहुत ही अच्छा एक टूल बना सकते हैं जो कि हम सबके लिए बहुत ही बेटर वे में काम करेगा। व्हाई इज ब्रोशर इम्पोर्टेंट टू योर बिजनेस? एक्चुअली बहुत टाइम हमारे मन में ये भी तो आता है कि ब्रोशर हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, हम तो बिना ब्रोशर के भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों हमारी कंपनी ब्रोशर्स निकाल रहे हैं, कैटलॉग्स निकाल रहे हैं, सारी चीजें, यू नो। सो विद द प्रेजेंट यू नो प्रेजेंस ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड, ये जितने भी आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड हो गए हैं और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है अराउंड अस, ब्रोशर जो है काफी ज्यादा वेल डिजाइन ब्रोशर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जिस तरह से हम लोग यू नो अलॉन्ग विथ योर वेबसाइट, सोशल नेटवर्क, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एफर्ट, सब जो भी चीजें कर रहे हैं, कंपनी ब्रोशर एक इंटेलेक्चुअल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है हमारे ब्रांडिंग प्रोसेस के लिए। क्योंकि हमने अगर एक चीज नोटिस की होंगी, हमारा ये जो बिजनेस है ये यू नो बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ जैसे सोप हो गया या फिर कुछ क्रीम हो गया या फिर कुछ ये सारी चीज, बहुत सारी जैसी चीजें हो गई, यू नो जो हम लोग टीवी देखते हैं तो टीवी में बहुत ज्यादा उसका एड आते रहता है, रिपीटेडली एड आते रहता है। लेकिन ये जो बिजनेस है, हमने नहीं देखा होगा कि टीवी में इसके एड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये माउथ ऑफ पब्लिसिटी का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये माउथ ऑफ पब्लिसिटी का बिजनेस है। सो जिस वजह से अब ये ब्रांडिंग प्रोसेस जो है ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम, अगर हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो हो रहा है तो हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए माउथ ऑफ पब्लिसिटी जो है ब्रोशर का यूज ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे कोई ना कोई कमियां हो रही हैं, ऐसा कुछ भी है, हो सकता है कि हम ब्रोशर्स का ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, माउथ ऑफ पब्लिसिटी है। हमारी इतनी बड़ी टीम बनी है, इतने सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, राइट, उससे भी ज्यादा लोग हैं, इतनी बड़ी टीम है, डेफिनेटली केवा फैमिली जो है ये माउथ ऑफ पब्लिसिटी से ही इतनी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है और आगे भी होती रहेगी। सो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अ वेल डिजाइन ब्रोशर जो है ये हमें सर्व करता है एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन हमारे बिजनेस को, ताकि हमारा बिजनेस जो है वो किस बेसिस पे है उनको बताया जा सके। एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रोशर्स एक्सपैंड करते हैं हमारी कंपनी के विजिबिलिटी को। अगर यू नो कभी कभी हम फील्ड वर्क पे जाते हैं या फिर हम जब किसी से भी बातें करते हैं तो अगर किसी को कोई भी हेल्थ इश्यू है, कुछ भी अगर ऐसा रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड से स्किप हो जाता है जो हमें प्रोडक्ट रेकमेंड करना चाहिए उनको। हो सकता है कि हमने सारे प्रोडक्ट उनको रेकमेंड कर दिए हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो प्रोडक्ट हम रेकमेंड करना भूल गए हैं, क्योंकि वी हैव मोर देन 500 ऑफ प्रोडक्ट, राइट, पांच यू नो 500 से भी ज्यादा हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। अब हर प्रोडक्ट एक्यूरेटली यू नो एग्जैक्टली एकदम माइंड पे याद ही रहे और उसी टाइम ही आ जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, राइट। सो जिस वजह से हमारे पास अगर ब्रोशर रहेगा तो अगर हमारी माइंड से स्किप भी हो जाता है तो ब्रोशर हमें रिमाइंड कराने का काम करेंगे, हमें ये विजिबिलिटी हमें बताएंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास है, अवेलेबल है। ब्रोशर्स एक ग्रेट मार्केटिंग टूल है व्हेन रीचिंग आउट न्यू कस्टमर्स, जब हम न्यू कस्टमर्स तक रीच करते हैं। ब्रोशर्स
प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव प्रेस अबाउट योर योर कंपनी, हमारी कंपनी का पॉजिटिव प्रेस जो है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोशर काफी ज्यादा इजी टू डिस्ट्रीब्यूट है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए कि एलडीपी कर रहे हैं, राइट, फिजिकल इवेंट्स कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, एलडीपी के लिए जा रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं हम अपने हर एक सेशन में, हर एक मीटिंग में, जो भी फिजिकल मीटिंग्स इवेंट्स रहते हैं, हर एक इवेंट्स में, मीटिंग्स में ब्रोशर का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, वो जरूर होना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छे से उनको उसके बारे में बता भी सके, इम्पोर्टेंस भी बता सके, राइट। और इनके साथ साथ जस्ट टेक इट एज एग्जाम्पल कि अगर आप कोई ऐसे जगह पे हेल्थ कैंप कर रहे हैं, आप कहीं पे भी हेल्थ कैंप कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए अगर आपने रखा हुआ है, तो जहाँ पे आप हेल्थ कैंप कर रहे हैं, या फिर चाहे वो जॉगर्स पार्क में कर रहे हो, कहीं पार्क में कर रहे हो, या फिर कोई एक जगह आपने बहुत अच्छे से जहाँ पे आपने बना के रखी है अपना बहुत अच्छे से हेल्थ चेकअप करने की, कहीं भी आप हेल्थ चेकअप कर रहे हैं या फिर अपना काउंसलिंग कर रहे हैं, वहां पे हम अपना ज्यादा से ज्यादा ब्रोशर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्पेशली सुबह के टाइम में अगर बहुत ज्यादा लोग जो है वो पार्क में जाते हैं एक्सरसाइज करने, रनिंग करने, वहां पे हम अपने ब्रोशर्स को ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी वहां पे ज्यादा एक्सपैंड होगी। इनके साथ साथ जो कॉलेजेस है, कॉलेजेस के बाहर में भी हम उनका यूज करवा सकते हैं। इनके साथ कहीं ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ पे काफी ज्यादा लाइक भीड़ रहती है, सारी चीजें रहते हैं, तो वहां पे भी हम अपने ब्रोशर्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर हम कहीं पे कैनोपी लगा रहे हैं, राइट, तो जहाँ पे भी हम कैनोपी लगा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, तो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के साथ साथ साइड में टेबल में ब्रोशर्स होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। हम अपनी कंपनी के बारे में जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितना ज्यादा बताएंगे, हमारी कंपनी की विजिबिलिटी उतनी ज्यादा बनेगी, और जितनी ज्यादा विजिबिलिटी बनेगी, डेफिनेटली हर कोई पर्सन जो है डेफिनेटली वहां से कुछ ना कुछ जो है जरूर सीखने को वहां से उनको मिलेगा, वो और ज्यादा उसके बारे में जानना चाहेंगे। 7 out of 10 टूरिस्ट जो है, एज वेल एज विजिटर्स जो भी आते हैं, टेंड टू पिक ब्रोशर्स, वो ब्रोशर्स जरूर लेते हैं, वो जानना चाहते हैं उन सब चीजों के बारे में। 95% ऑफ विजिटर्स जो है ऑप्टेन करते हैं ब्रोशर, बिकम अवेयर ऑफ बिजनेस, ताकि वो बिजनेस के बारे में थोड़ा समझ सके, जान सके। जैसे कि आज एक हम ऐसे ब्रोशर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, कंपनी का नाम लिखा है, सारी चीजें हैं। ऑब्वियसली जब ब्रोशर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो पर्सन उस कंपनी का नेम भी वहां पे देखेंगे, उसके बारे में भी ज्यादा से ज्यादा सर्च करेंगे। 80% ऑफ पीपल जो है कंसिडर विजिटिंग बिजनेस दे सॉ इन द ब्रोशर, और उसमें से 80% लोग जो है वो जरूर कंपनी जो है उसके बारे में जानने का बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, वहां पे विजिट ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जानेंगे उस कंपनी के बारे में, ताकि वो कंपनी जो है किस हिसाब से अच्छे से वर्क कर रही है, और डेफिनेटली दे बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, राइट, वो मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर बिजनेस जो है ये सारी चीजें बहुत ही इजिली अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। सो जिस वजह से ब्रोशर्स जो है, दीज स्टैट्स क्लियरली शो ब्रोशर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ब्रोशर बिल्ड करते हैं ट्रस्ट, ट्रस्ट प्रोडक्ट के लिए, ट्रस्ट कंपनी के लिए, ट्रस्ट बेस्ड कंपनी डेफिनेटली, कि कंपनी काफी ज्यादा वेल सर्टिफाइड कंपनी है, ये काफी ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स जो है काफी ज्यादा ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीजें। ब्रोशर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होल्ड करती है, ऑल्दो हो सकता है कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट के बारे में कोई किसी ने एट अ टाइम ही पूछ लिया जिसके बारे में बहुत ज्यादा हमें नहीं पता है, या फिर उस प्रोडक्ट जो है उसको वो माइंड से स्किप हो गया है, जो भी चीजें हैं, ब्रोशर्स एक सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं अट्रैक्टिव सा पेज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, जो कि हम ऑफर कर सकते हैं। ऑफर पर्सनल टच एज यू डिस्ट्रीब्यूट देम, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे पर्सन को,
तो ये एक पर्सनल टच जो है ये डेफिनेटली ऑफर कर रहे हैं आप, एक ब्रोशर जो है उसको ऑफर कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें हैं, दिस इज व्हाई ब्रोशर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप डेमो दे रहे हैं, आप चाहे वो हेल्थ केयर के डेमो हो, चाहे एफएमसीजी के हो, कोई किसी भी चीजों का आप डेमो दे रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, इन सब चीजों के लिए इनफैक्ट ब्रोशर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। एंड नाउ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ब्रोशर्स के बारे में, कि ब्रोशर्स जो है इस तरह से हम लोग इनका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, राइट। एंड द एग्जाम्पल इज हमारे पास यहाँ पे, आज हम यहाँ पे पर्सनल केयर ब्रोशर के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट। सो जिस वजह से अब यहाँ पे हमारे बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए ब्रोशर्स का यूज कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे वॉन्ट्स रहते हैं, राइट। अभी ऐसा सीजन चल रहा है, इनफैक्ट हर सीजन के लिए काफी ज्यादा ये रेकमेंडेड है। अभी काफी ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि विंटर सीजन चल रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस। हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे पूरे साल भर कुछ ना कुछ फंक्शन, त्योहार, ये सारी चीजें आती ही रहती हैं, फेस्टिवल्स आते रहते हैं, ओकेजन्स आते रहते हैं, राइट। सो जिस तरह से हम यहाँ पे बहुत सारे नेल एनिमल्स है, नेल पेंट्स है, चाहे आपको ग्लिटर वे में चाहिए, अगर कोई मैरिज या फंक्शन है, जो भी चीजें हो, आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से नेल आर्ट करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग नेल आर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो आप यहाँ पे ग्लिटर्स जो हो गए या फिर जो प्लेन सिंपल जो कलर्स हो गए, ये सारे कलर्स आप यूज कर सकते हैं। इनके साथ साथ यहाँ पे आप इनफैक्ट ये भी देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रेंडिंग शेड्स भी है। हमेशा एक बहुत पहले के टाइम में, राइट, ज्यादा बहुत ज्यादा शेड्स नहीं हुआ करते थे, और ज्यादातर बहुत अर्ली टाइम का अगर हम लोग बोले तो सिर्फ रेड पिंक ऐसा ही कुछ दिखता था, राइट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी कंपनी ने इतनी ज्यादा यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक्सपैंड कर दी गई है, कि हमारा जो भी लाइक और डिसलाइक है हम उसके हिसाब से यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर आपको पसंद आता है, जैसे कि समर टाइम में काफी ज्यादा दिन के टाइम में, धूप के टाइम में लोग नहीं चाहते हैं बहुत ज्यादा डार्क कोई कलर वेयर आउट करे, राइट, जैसे कि रेड, मरून, ये सारी चीजें, वो इवनिंग टाइम में या फिर कोई ओकेजन में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर बहुत धूप में बहुत ज्यादा रेड कलर लगा के जाएंगे तो वो थोड़ा सा काफी ज्यादा डार्क लगने लग जाता है। हर किसी का अपना अपना चॉइस होता है, तो बहुत लोगों के ये भी रिक्वायरमेंट थे कि उनको न्यूट कलर भी चाहिए, का लाइट कलर भी चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे सारे कलर्स है। इनफैक्ट यहाँ पे हुकअप है, पर्पल गर्ल है, कॉफी टॉफी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंजेस्टिक इसमें है, पिंक, ये जो पिंक है ये कैंडी फ्लॉस वाला पिंक आपको देखने को मिलेगा, विच मीन्स बहुत सारे स्कूल के बाहर में या फिर मेले में भी कैंडी फ्लॉस जो रहता है उस पिंक कलर का, उस कलर का ये रहेगा। ये वाइन कलर हम लोग बोल सकते हैं, काफी वाइन कलर काफी ज्यादा रिच लगता है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है बोल सकते हैं हम लोग इसको। पर्पल बेरी है, डार्क कैरमल इसमें है, पावर रेड, रेड कलर इसमें रहेंगे। इनके साथ साथ शुगर कैंडी, ये लाइट कलर आपका देखने को मिलेगा काफी ज्यादा, ये रेड कलर में रहेंगे। कैरेट क्रश रहेगा, ये मरून कलर में रहेगा, विच मीन्स, और ये सारी चीज, कॉफी टॉफी बेसिकली ब्राउन कलर में आपको देखने को मिलेंगे। सो आपको लाइट शेड चाहिए, ब्राउन में शेड चाहिए, पिंक में शेड चाहिए, या फिर किसी भी चीज में, रेड में, मरून में, वाइन कलर में, हर कलर में आपको यहाँ पे शेड्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे, जो कि आप बहुत ही इजिली ले सकते हैं। इनके साथ साथ यहाँ पे आपके पास ब्यूटी केयर के बहुत सारे ही प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड द ब्यूटी केयर प्रोडक्ट इज यहाँ पे ऑब्वियसली काजल, हर किसी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोगों के लिए रहता है। और ये जो काजल है ये वाटर प्रूफ काजल है, और ये स्मच प्रूफ भी है, सो डेफिनेटली, और उससे भी ज्यादा ये हमारे आई को इरिटेट नहीं करता है। बहुत सारे मार्केट के काजल ऐसे होते हैं जिसके वजह से काफी ज्यादा वो काफी ज्यादा अंदर करके लगाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसके वजह से वो काजल उनको सूट नहीं करता है।
हम लोग एकदम इसको अंदर में नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा बाहर करके आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और ये काजल इतना ज्यादा परफेक्टली वर्क करता है कि आप इस काजल से एज अ आईलाइनर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट? तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो काजल है, थोड़ा सा अगर कोई बहुत ज्यादा अपने स्किन को लेके बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट से सारी चीजें करते हैं, उनको न्यू न्यू चीजें बहुत अच्छे से अच्छा लगता है चीजों को यूज करना, ट्राई करना। सो जिस वजह से आप ये जो काजल है, स्पेशली क्योंकि ये आई फ्रेंडली काजल है, इस वजह से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो ये जो काजल है, आप बहुत अच्छे से, अगर कोई चाहता है थोड़ा सा स्मोकी लुक प्रोवाइड करना, ऐसा कुछ भी चाहते हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से एक शेड बना सकते हैं, आई मेकअप कर सकते हैं, एक शेड बना सकते हैं, साइड में स्मोकी लुक प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इससे भी ये हेल्प ले सकते हैं, बहुत ही मार्वलस असर करेगा, राइट? बस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा आप। इनफैक्ट यहाँ पे आईलाइनर भी है, मस्करा है, ये सारी चीजें, फाउंडेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जा रही हैं। इनफैक्ट सीसी क्रीम, सिंदूर बीबी क्रीम, डेली ब्यूटी किट, ये सारी चीजें यहाँ पे है, जो कि आप इजिली इस ब्रोशर से, अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन हमें बोलते हैं कि हमें फाउंडेशन की जरूरत है, या फिर मस्करा की जरूरत है, या जो भी चीजें हैं काजल की जरूरत है, अगर हमारे माइंड से स्किप भी हो जाता है, देन वी हैव द अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ से इसको रिमाइंड करवा सके, उनको बता सके कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, और हमें बार 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 जाके साइट में जाके इसके प्राइस नहीं देखने पड़ेंगे, यहाँ पे इजिली इनके प्राइस भी लिखे हुए हैं, राइट? तो ये इनके साथ साथ स्किन केयर के भी प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा मार्वलस वे में यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, जिसके जो भी स्किन केयर टाइप है, जो जो भी उनको प्रोडक्ट जो है उनके स्किन पे जाना चाहिए, आप इजिली यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रेकमेंड कर सकते हैं। जैसे कि फेयरनेस क्रीम, अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन काफी ज्यादा डार्क होने लग गया, तो आप फेयरनेस क्रीम दे सकते हैं। बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोगों का ये क्वेरी आता है कि उनकी आंखों के नीचे में काफी ज्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं, राइट? तो आप उनको अंडर आई क्रीम दे सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, डजेंट मैटर, यहाँ पे आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल पैक, गोल्ड ब्लीच हो गया, और इनके साथ साथ रेजुवेनेटिंग फेस क्रीम, एप्रिकॉट वॉलनट स्क्रब, सनस्क्रीन, इसमें SPF 30 है, मेंस फेयरनेस फेस क्रीम जो है ये सिर्फ मेल के लिए रहेगा। रादर देन दैट, अभी तक हमने यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किए, सारे ही प्रोडक्ट दोनों यूनिसेक्स रेंज है, दोनों पर्सन ही यूज कर सकते हैं। कैलामाइन लोशन, जिनको बहुत ज्यादा दाग धब्बे हो गए हैं पिंपल के, सेंसिटिव स्किन है, बहुत ऑयली स्किन है, बहुत पिंपल निकलने लग जाते हैं, तो वो कोई भी स्टिकी चीजें नहीं लगा सकते, आप कैलामाइन लोशन उनको दे सकते हैं। पिंपल स्किन केयर जेल, जिनको पिंपल के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, आप उनको पिंपल के लिए आप उनको वो प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। 11 in 1 यहाँ पे फेस वॉश बोल सकते हैं, स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, ग्लो क्रीम, नरिशिंग क्रीम, नरिशिंग क्रीम, ये सारी जो चीजें हैं, स्किन ब्राइटनिंग, ग्लो क्रीम एंड नरिशिंग क्रीम, क्योंकि अभी विंटर सीजन में फेस बहुत ज्यादा ड्राई होने लग जाता है, तो ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत होती है, और बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता है, जिनको फेस में छाइयां बहुत ज्यादा होती हैं, उनका ये मानना रहता है कि गर्मियों में तो रहते ही हैं, ठंडियों में छाइयां और बढ़ने लग जाती हैं और गाढ़ी हो जाती हैं। बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे नरिशिंग क्रीम, बहुत ही अच्छे से रिड्यूस करने का हेल्प करती हैं। SPF 50 हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम, एंटी मार्क्स क्रीम अगर दाग धब्बे है, तो कोलाजन बूस्टिंग एज डिफाइनिंग फेस क्रीम, सीवीड क्रीम क्लेरिफाइंग, ये सारी चीजें, स्क्रब, ये सारी चीजें इनफैक्ट यहाँ पे रहती हैं। पिंपल के लिए स्पेशलाइज्ड हमारे पास प्रोडक्ट है, सो पिंपल के लिए अलग से हमें प्रोडक्ट, अगर हम ज्यादा स्पेशलाइज्ड करके लेते हैं, हमारे लिए बेटर रहेगा। फेशियल टोनर है, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। यहाँ पे एन नंबर ऑफ, मल्टीपल नंबर ऑफ यहाँ पे फेस वॉश है, फेस क्लीनिंग क्लेंजर है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छे से ये वर्क करेंगे। इनफैक्ट इनके साथ साथ यहाँ पे रेड एलोवेरा फेस वॉश भी है, तो डेफिनेटली जो न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है हमारा, और रेड एलोवेरा जो होते हैं ये बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही ज्यादा
इफेक्टिव होते हैं। सो डेफिनेटली ये हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो इसमें रेड एलोवेरा फेस वॉश भी है जो कि काफी अच्छे से हमारे फेस के लिए हेल्प करेंगी, जो यूवी रेडिएशन के वजह से हमारे स्किन डार्क को डैमेज हो गया है, ये उनको भी प्रिवेंट करने का बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। बॉडी केयर के लिए यहाँ पे आप इतने सारे बॉडी मसाज ऑयल, मस्क, बॉडी टाल्क जो है मेल के लिए, ब्लू वाला मेल के लिए है, पिंक वाला फीमेल के लिए है, ये बॉडी टाल्क है आप यूज कर सकते हैं। बॉडी काफी ज्यादा ड्राई होने लग जा रही है, इजिली आप एलो हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन या फिर आप अल्ट्रा नरिशिंग बॉडी लोशन आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट कैमो कैमो बॉडी लोशन पूरे इस प्लैनेट का, इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो विटामिन सी पाए जाते हैं कैमो कैमो में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ये माना जाता है। और इनफैक्ट इसमें लिखा है व्हाइट बॉडी लोशन, जिनका ये क्वेरी होता है कि धूप की वजह से उनके हाथ पैर भी ज्यादा, फेस के साथ साथ हाथ पैर भी काफी ज्यादा डार्क होने लग गए हैं, दाग धब्बे ऐसे होने लग गए हैं हाथ पैर में भी। तो डेफिनेटली आप ये अच्छे से अपनी बॉडी को बॉडी वॉश करिए नहाने के टाइम में, इनके साथ साथ हफ्ते में 2 से 3 बार आप स्क्रब करिए, आप अपनी पूरे बॉडी में आप स्क्रब करिए। राइट, यहाँ पे हमने स्क्रब भी देखा, एप्रिकॉट वॉलनट स्क्रब या फिर पपाया स्क्रब, ये सारी चीजें आप पूरे बॉडी में स्क्रब भी करेंगे 2 से 3 मिनट, 5 मिनट के लिए। राइट, क्योंकि बॉडी का स्किन थोड़ा सा हार्ड रहता है एज कम्पेयर टू फेस का स्किन। राइट, इसके बाद फेस बॉडी क्लीन हो जाने के बाद आप डेली डेली कैमो कैमो बॉडी लोशन लगाइए, आपको लगेगा कि आपका स्किन जो डार्क हो गया था, क्योंकि ये आपके स्किन में विटामिन सी काफी अच्छी खासी है, ये आपके स्किन में लाइटनिंग प्रोवाइड करती है, जिस वजह से डार्कनेस को काफी अच्छे से हील करने का ये काम करेंगे। दाग धब्बे अगर हाथ पैर में हो गए हैं, डार्कनेस होने लग गया है, तो ये उनको भी ये हील करते हैं। फुट केयर मॉइस्चराइजिंग क्रीम, अगर किसी, अभी ठंडियों के टाइम में आई बिलीव मैक्सिमम लोगों के फुट जो है काफी ज्यादा एडियम फटने लग जाना, ये सारी चीजें रहती हैं, तो यहाँ पे फुट केयर क्रीम भी इसमें पाई जाती है, फुट केयर मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ताकि मॉइस्चराइज नरिश हो। और इसको यूज करने का जो बेस्ट तरीका है, आप इसको यूज करेंगे इनके साथ साथ रात में सोने से पहले इसको यूज करके आप सॉक्स पहनते हैं। राइट, सो जिस वजह से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सिंपल तरीके से कि आप जब भी ये सॉक्स को जब पहनते हैं तो अब वो काफी अच्छे से मॉइस्चराइज नरिश करने का ये काम करेगा, और ये और ज्यादा जल्दी हमें इफेक्टिवली वर्क करने का भी काम करेगा। राइट, सो जिस वजह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, ओके, सो यहाँ पे विमेन डीओ भी है, बॉडी केयर किट भी है। तो यहाँ पे ऑल्दो हमने यहाँ पे देखा था बॉडी, यहाँ पे एक देख सकते हैं मस्क बॉडी टैल्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड है। ब्लिस जो है ये फीमेल के लिए, विमेन के लिए है। राइट, इसमें हेयर केयर रेंज भी बहुत सारे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे हेयर ऑयल्स हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे इसमें शैम्पू है, इवन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं जो भी आपका हेयर का जो भी टाइप है, जो भी रिक्वायरमेंट है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। राइट, अगर आपको बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, हेयर फॉल के शैम्पू ले सकते हैं, बाल बहुत ज्यादा रफ एंड ड्राई हो गए हैं तो सिल्क शैम्पू ले सकते हैं, बहुत ज्यादा खराब होने लग गए हैं, बेजान से हो गए हैं, प्रोटीन शैम्पू, डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो डैंड्रफ शैम्पू आप ले सकते हैं। राइट, बहुत ज्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है तो आप स्पेशलाइज्ड हेयर केयर के लिए एंटी हेयर फॉल किट ले सकते हैं। न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है हमारा अनियन बायोटिन शैम्पू विथ कंडीशनर, इसको भी आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये शैम्पू विथ कंडीशनर है। अर्लियर समवन रियली आस्क दिस क्वेश्चन, राइट, कि लाइक हमारे पास कंडीशनर है या नहीं है, मुझे जरूर अच्छे से याद है। तो उनके लिए ये आंसर है, अगर उन्होंने सेशन को ज्वाइन किया है, कि हमारे पास ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें शैम्पू प्लस कंडीशनर दोनों ही है। ओट्स एंड पोमेग्रेनेट, ये सारे शैम्पूज, ये सारी चीजें जो है बहुत इजिली यूज कर सकते हैं। हेयर यहाँ पे ऑयल पाए जाते हैं, हेयर कलर पाए जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा सेफ है, ये आपके हेयर को डैमेज नहीं करता है। आपके जो बहुत ज्यादा मार्केट के जो प्रोडक्ट है जो बहुत जल्दी आपके हेयर को डैमेज करने लग जाते हैं, वैसा नहीं करता है। राइट, बहुत सारे हेयर ऑयल्स भी यहाँ पे है। ओरल केयर आप यूज कर सकते हैं, इतने सारे हैं, टूथपेस्ट, ओरल केयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अगर ओरल केयर नहीं रहेगा, इससे पहले ही जो टीथ
जो है वो फॉल होने लग जाएंगे, तो टूथ डिकेट के प्रॉब्लम, कैविटी प्रॉब्लम होना, यू नो सेंसिटिविटी काफी ज्यादा होने लग जाना, तो ये उनसे हमें चेक करेंगे। नोनी टूथपेस्ट, क्लोव टूथपेस्ट, गम केयर लोशन इसमें रहते हैं, गैनोडर्मा टूथपेस्ट, चारकोल, अगर किसी के टीथ जो है बहुत चाय पीने की वजह से या फिर कुछ ऐसी बैड चीजें अगर वो इनटेक करते हैं राइट, तो उनका टीथ का कलर थोड़ा ब्राउन होने लग गया है या फिर येल्लो होने लग गया है, यू नो खाना खाने के बाद अच्छे से माउथ वॉश नहीं करना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं राइट, तो उसके लिए चारकोल यू नो टूथपेस्ट जो है बहुत अच्छे से इफेक्टिवली वर्क करेगा, टीथ को एकदम व्हाइट करने में हेल्प करेगा राइट। इसमें टूथब्रश भी है, नो नीड टू बाइट फ्रॉम द अदर साइड, मार्केट साइड राइट, क्योंकि उसके ब्रिसल्स जो है वो किस तरह से उसके ब्रिसल्स को मैन्युफैक्चर किया हुआ है, वो हमारे टीथ के लिए सेफ है या नहीं है, उनके जो ब्रश के जो ब्रिसल्स है हमारे टीथ के अंदर में जाके, साइड में जाके, यू नो बहुत सारे खाने पार्टिकल्स जो रहते हैं, फूड पार्टिकल्स, वो फंस जाते हैं, वो क्लीन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ ऊपर के टीथ ही क्लीन हो रहे हैं, अंदर से कुछ भी क्लीन नहीं हो रहा है। सो जिसके वजह से इनके जो ब्रिसल्स है हमारे जो टीथ के बीच में भी जो यू नो फूड पार्टिकल्स अगर चले जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा रहता है, ये उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन करने का काम करते हैं। ओशन मिनरल टूथपेस्ट, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे सोप भी है, दोज हु विश टू यूज द सोप डेफिनेटली। यहाँ पे नीम, तुलसी, पुदीना, सैंडलवुड, एवोकाडो, ये सारी चीजें यहाँ पे ब्यूटी सोप है, इजिली आप यूज कर सकते हैं। इनके डेमो भी बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग सोप के डेमो आई बिलीव बहुत ज्यादा यूज करते हैं राइट, बहुत ज्यादा ही, मतलब हर एक दिन ही हम सोप का डेमो देते हैं, जैसे KMD, CTMD इन सब चीजों का देते हैं, FMCG प्रोडक्ट्स का देते हैं, सोप का हम बहुत ज्यादा डेमो देते हैं आई बिलीव राइट। सो जिस वजह से सोप हमारे लिए काफी ज्यादा इफेक्टिवली वर्क भी करेंगे, हमारे बिजनेस को भी इंक्रीज करने का काम करेंगे राइट। इनके साथ साथ यहाँ पे फेशियल किट्स भी है, जैसे इंस्टा ग्लो, किसी को अगर इंस्टेंटली ग्लो चाहिए या फिर एजिंग पर्पस जो है बहुत जल्दी एजिंग ना आए, उसके लिए एंटी एजिंग फेशियल किट, स्किन लाइटनिंग, बहुत ज्यादा दाग धब्बे हो गए हैं, स्किन डार्क हो गया है, उसके लिए स्किन लाइटनिंग फेशियल किट, अगर किसी का फेस में बहुत पिंपल हो गया है, सेंसिटिव स्किन हो गया है, तो उनके लिए एलोवेरा फेशियल किट, अगर किसी का फेस डस्ट पोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा डेड स्किन होने लग गई है, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उनके लिए डिटॉक्सिफाइंग चारकोल फेशियल किट आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। बेबी केयर का यहाँ पे पूरा रेंज है, नो नीड टू बाइड फ्रॉम द मार्केट साइड राइट, क्योंकि यहाँ पे बेबी केयर किट के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी है, मसाज ऑयल, टॉप टू टो बॉडी वॉश उनके लिए रहेगा, साबुन नहीं रहेगा, साबुन बेसिकली जो काफी ज्यादा यू नो उनके बॉडी के लिए, उनके स्किन के लिए थोड़ा सा हार्श हो सकता है, क्योंकि बच्चों का जो स्किन होता है पेपर लाइक सॉफ्ट होता है। यहाँ पे बॉडी टैल्क भी है, शैम्पू भी है, सारी चीजें हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी इनफैक्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, लाइक हेयर रिमूवल क्रीम, हर हाइजीन वॉश, वुमेन हाइजीन केयर किट, शेविंग फोम यहाँ पे देख सकते हैं मेल के लिए, यू नो मदरहुड केयर किट जो है, अनायन सैनिटरी नैपकिन, बहुत स्मॉल एंड लार्ज साइज दोनों ही यहाँ पे पाए जाते हैं इजिली, इसको भी हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं। अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए, हाइजीन मेंटेनेंस के लिए हैंड वॉश भी इतने सारे यहाँ पे है, सॉफ्ट वॉश है, हैंड वॉश है, ग्रीन एप्पल सॉफ्ट वॉश है, लाइम सॉफ्ट वॉश है, स्ट्रॉबेरी सॉफ्ट वॉश है, यहाँ पे MRP भी लिखा है इनके साथ साथ, यहाँ पे इसमें कितने ML के हैं या ग्राम के हैं क्या है, हर एक चीजें इनकी नेट वॉल्यूम भी लिखी हुई है। कभी कभी ऐसे भी हमें लोग मिलेंगे यू नो डेफिनेटली जब हम प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाएंगे या फिर जब प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का टाइम आएगा या फिर उनको जो प्रोडक्ट चाहिए, हो सकता है कि वो हेजिटेट हो रहे हो जब उनको यू नो सैनिटरी नैपकिन ऑर्डर करना हो या फिर यू नो लाइक कुछ भी वुमेन हाइजीन केयर किट, या फिर उनको उसके बारे में नहीं पता है, तो डेफिनेटली इस ब्रोशर के थ्रू वो उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बेबी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में उनको नहीं पता है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने बेबीज के लिए ले सकते हैं, ये सारी चीजों का यूज वो बहुत ही अच्छे से करके अपनी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और हर एक फिजिकल मीटिंग में, हर एक LDP में, हर एक फिजिकल मीटिंग में, हर एक हेल्थ चेकअप में, हर एक डेमो में, हर जगह पे ब्रोशर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके वजह से हम अपने बिजनेस को, हम बता रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे यू नो
पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करें कि हमारी कंपनी के पास ये प्रोडक्ट है, और डेफिनेटली 95 to 90% लोग जो है वो उस कंपनी के बारे में जानेंगे। उसमें से 80% लोग जो है, 80 से 90% लोग जो है वो इन सारी चीजों पे जाके, स्टॉक पॉइंट ये सारी चीजों पे जाके, कंपनी पे जाके विजिट करके हर चीजें समझेंगे भी, वहां पे मेंबरशिप भी लेंगे, जिसके वजह से आपका बिजनेस, आपका टीम, हर एक चीजें बहुत अच्छे से ग्रो होने वाली है। चाहे हार्ड कॉपी तो रखना ही रखना है, जो भी यू नो लाइक जूम सेशन होता है, कोई भी जूम सेशन हो, हमेशा जो हमारा ये लाइक ब्रोशर है, ब्रोशर को ज्यादा से ज्यादा हम यूज करेंगे। हमेशा कम से कम 2-5 मिनट बाकी रहेंगे सेशन खत्म होने में, या जो भी रहेगा, ब्रोशर को जरूर हम लोग रिमाइंड करेंगे, ताकि ब्रोशर ज्यादा से ज्यादा हर किसी के पास हो, हर कोई इसका एडवांटेज ले सके। और हर एक फिजिकल इवेंट्स में हार्ड कॉपी होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ वी रियली वॉन्ट टू इंक्रीज आर बिजनेस। अगर आपको आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या फिर कोई भी फीडबैक है, आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप अपने फीडबैक्स को, आप अपने रिव्यूज जो है आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, सो दैट आई कैन नो। एनीवन, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड विद दीज प्रोडक्ट्स, तो आप डेफिनेटली आप चैट बॉक्स का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच चेतना मैम, सुदर्शन सर, गुड टू नो दैट यू रियली लाइक द सेशन, एंड थैंक यू सो मच शंभू सर। सो आई बिलीव कि अगर हमारे पास अभी ब्रोशर्स नहीं है, तो हम ज्यादा से ज्यादा ब्रोशर्स का यूज करें, क्योंकि काफी ज्यादा ये आई कैचिंग रहेगा। हमारे जितने भी स्टॉक पॉइंट है, जहां पे भी हम यू नो बिलिंग करते हैं, सारी चीजें रहती हैं, वहां पे हम अपना बहुत ही अच्छे से यू नो हमेशा जो ब्रोशर है उसका एक बंडल जो है वहां पे जरूर रखे। अगर आपने उसका पैम्पलेट निकाला हुआ है, ये सारी चीजें हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से उसको यूज करके वहां से अपने बिजनेस को भी काफी अच्छे से बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ज्यादा हम अपने ब्रोशर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमारा ब्रोशर जो है ये ऑलरेडी वेल डिजाइंड है, सो हमने बहुत अच्छे यू नो इसको फिर से रीडिजाइन नहीं करना है, राइट? ऑलरेडी हमारे पास वेल डिजाइन किया हुआ है, ये एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन हमारी कंपनी के बारे में हमारा ब्रोशर दे रहा है, जो कि हम ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो होप यू लाइक द सेशन, एंड इफ यू रियली लाइक द सेशन, क्योंकि ये हमारा आज का जो सेशन है ये फेसबुक लाइव है, तो आप लोग अपने ज्यादा से ज्यादा टीम मेंबर्स को भी शेयर कर सकते हैं। सो तब तक के लिए स्टे सेफ ऑल, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच एवरीवन।